celebrating the savior. What it means? It means Britishers were celebrating in favor of those persons जिन्होंने उनकी जान बचाई थी. वी कैन से ब्रिटिश पॉपुलेशन जो ये रिकॉर्ड्स थे, ये जो पिक्चर्स बनाई थी, तो इसमें यही है कि सेलिब्रेशन फॉर द दोज पीपल्स, फॉर दोज पीपल जिन्होंने जो कॉमन लोग थे, ब्रिटिश इंग्लिश पीपल जो थे कॉमन, उनकी जान बचाई, उनके फेवर पे ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं. उनकी लाइक उनकी उस वी कैन से उस व्हाट वी से कि उस काबिलियत के लिए, उसे उनको एप्रिशिएट करने के लिए और उनकी काबिलियत को फॉरएवर रिमेम्बर करने के लिए, फॉरएवर याद रखने के लिए उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई थी, एप्रिशिएट करने के लिए उनको बेसिकली. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश पेंटिंग्स है ना, ये हमें बहुत सारी इमेजेस के बारे में, इमेजेस दैट मीन बहुत सारे सीन्स के बारे में बताती हैं जो उस टाइम हुए थे. ठीक है, वो क्या थे, जैसे कि इन पिक्चर्स को देख के पता चलता है कि अलग अलग इमोशंस क्रिएट होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कुछ जो है ये पेंटिंग्स, ये ब्रिटिश पिक्चर्स, कुछ जो ब्रिटिश पिक्चर्स हैं ये ब्रिटिश हीरोज़ के बारे में बताती हैं, कमेमोरेट दैट मीन रिमेंबर करवाती हैं अबाउट द ब्रिटिश हीरोज़ हु सेव्ड इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश को बचाया था एंड और क्या किया था, रेबिलियन को सुप्रेस किया था, सुप्रेस ऑफ रेबिलियन दैट मीन उसे शांत किया था या उसे वी कैन से कि रेबल्स को सुप्रेस करा. ठीक है, कंट्रोल करा. अब इसके साथ ही यहाँ पे एक है, एक पेंटर थे जिनका नाम था थॉमस जॉन्स. ठीक है, बार्कर. इन्होंने एक रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ करके लाइक एक पेंटिंग बनाई थी. रिलीफ ऑफ लखनऊ उसका थीम रखा था इन्होंने. एंड इन्होंने पेंटिंग जो बनाई थी, ये बनाई थी 1859 में. और ये इसमें क्या क्या इन्होंने डिपिक्ट किया था अपनी पेंटिंग में, वो ये था कि जब रेबल फोर्सेस, जब उन्होंने घेराबंदी कर ली थी लखनऊ की, ठीक है, पूरा कंट्रोल कर लिया था अपने अपने कंट्रोल में ले आए थे लखनऊ को, उस टाइम का पिक्चर डिपिक्ट की है इन्होंने, उस टाइम के सीन्स बनाए हैं अपनी पेंटिंग में. उसमें कौन कौन थे, हेनरी लॉरेंस जो थे ये कमिश्नर थे उस टाइम लखनऊ में. ठीक है, तो इनकी काबिलियत पे उन्होंने पेंटिंग बनाई है. वो क्या था कि इन्होंने, हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, सब क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठा किया एंड वहाँ से उनको एक हैवी फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में ले गए. दैट मीन एक बड़ी सी बिल्डिंग जो जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता था इजीली. ठीक है, तो वहाँ पे उन सबको ले गए सो दैट उन पे कोई भी रेबल अटैक ना कर सके. ठीक है, और इसके साथ ही लॉरेंस जो थे इसी के बीच मारे गए. ठीक है, एंड जो क्रिश्चियन लोगों की प्रोटेक्शन वो तो कंटिन्यूड रही क्योंकि उनको लॉरेंस के बाद किसने सेफगार्ड किया, डिफेंड करने के लिए एक और पर्सन आ गया, उनका नाम था कर्नल इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश जो थे, कर्नल इंग्लिश जो थे वो आ गए थे लॉरेंस के बाद उन क्रिश्चियन पॉपुलेशन को डिफेंड करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए रेबल से. अब 25 सितंबर में क्या होता है, जेम्स आउट्रम एंड इसके साथ ही हेनरी हैवलॉक जो थे वो पहुँचते हैं वहाँ पर लखनऊ में. ठीक है, और ये जो रेबिलियन को थोड़ा सा वो शांत करते हैं. ठीक है, किस तरह से, क्योंकि वो जब वहाँ पे आते हैं तो रीइन्फोर्समेंट लाते हैं, लाइक जो फोर्सेस जो रिक्वायरमेंट है अगर कम पड़ी वहाँ पे तो थोड़ी सी और वो कहीं से अरेंज करके ले आए. तो उन्होंने स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश ट्रूप्स को, ये गैरिसन्स दैट मीन ब्रिटिश ट्रूप्स को उन्होंने शांत स्ट्रॉन्ग किया. ठीक है, एंड इसके साथ ही 20 डेज़ के बाद क्या हुआ, कर्नल कैंपबेल जो थे वो आ गए थे एज अ न्यू कमिश्नर. तो आपको याद रखना है, हेनरी लॉरेंस की डेथ के बाद ये जो थे लखनऊ के कमिश्नर थे, इनकी डेथ के बाद कौन आ गया यहाँ पे, कर्नल कॉलिन कैंपबेल जो थे वो नए कमिश्नर बन गए थे वहाँ के. अब इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे इनको नया कमिश्नर बना दिया गया ब्रिटिश फोर्सेस का इन इंडिया एंड इन्होंने सारा रेस्क्यू किया. ठीक है, एंड इन्होंने ब्रिटिश गैरिसन को सारा लाइक वी कैन से अपने कंट्रोल में कर लिया था.
इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के अकाउंट्स हैं, द ब्रिटिश अकाउंट्स, इन ब्रिटिश अकाउंट्स द सीज ऑफ लखनऊ बिकेम स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, जो ब्रिटिश अकाउंट्स में जो है ना लिखा हुआ, जो लखनऊ को ही सीज, दैट मीन उसे रिकैप्चर जो उन्होंने किया, उसे दोबारा से अपने कंट्रोल में किया, तो वो एक स्टोरी थी किसकी, सर्वाइवल की, हीरोइक रेसिस्टेंस की, एंड अल्टीमेट ट्रिम्फ ऑफ द ब्रिटिश पावर। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो ये जो लखनऊ का पूरा अकाउंट है, ये तीन चीज़ों के बारे में बताता है। वो ये है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स की पावर का को दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था, फिर किस तरह से उन्होंने उसे रिकवर किया। ठीक है, दोबारा से लखनऊ को किस तरह से लोगों की जानें बची, जो ब्रिटिशर थे, कॉमन पीपल, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, कैसे वो बचे। ठीक है, और किस तरह से जो कुछ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो पहले वाले कमांडर थे जिनका नाम था थॉमस, यहाँ पे नाम है हेनरी, नॉट थॉमस, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जो थे, किस तरह से उनकी डेथ हो गई, लोगों की जान बचाते हुए, तो वो हीरो हैं। ठीक है, तो ये हीरोइक रेजिस्टेंस हुई कि उन्होंने हीरोइक रेजिस्टेंस में वो शामिल थे। ये सब चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश अकाउंट्स में डिपिक्ट की गई थी, उन अकाउंट्स में हमें मिलती हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम देखें बार्कर्स की पेंटिंग को हम देखते हैं, तो यहाँ पे बार्कर कौन है, थॉमस जॉन बार्कर ही हैं जिन्होंने रिलीफ ऑफ लखनऊ थीम करके पेंटिंग लिखी थी, पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे शॉर्ट नेम में उन्होंने लिख दिया बार्कर, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे उनका पूरा नाम जो है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, थॉमस जॉन बार्कर, ये उन्हीं की बात चल रही है। ठीक है, बार्कर की जो पेंटिंग्स हैं वो सेलिब्रेट कर रही है मूवमेंट ऑफ कैंपबेल्स एंट्री। ठीक है, कैंपबेल की एंट्री के मूवमेंट को वो क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, जो दूसरे कमिश्नर थे लखनऊ के, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, पिक्चर्स में बताया, तो ये आप पिक्चर्स पिक्चर ये पूरा सीन डिपेक्ट करें, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही है बहुत क्लियरली। तो इसके साथ ही यहाँ पे आपको बताया है, इनके साथ ही आपको यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको बताया, एट द सेंटर ऑफ द कार्वन आर द ब्रिटिश हीरोज़, ये जो पूरा कार्वन है, ठीक है, ये जो पूरा है कार्वा है, इसके सेंटर में ये तीन लोग जो है ये ब्रिटिश हीरोज़ हैं। ठीक है, अब इसके साथ ये कैम्पबेल है, ऑट्रम है, एंड इसके साथ ही हैवलॉक है, ये तीन जो है, इन तीनों तीनों के नाम है ये। ठीक है, एक एक पर्सन के। अब इसके साथ ही जो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये ग्राउंड पे खड़े हैं हीरोज़। ठीक है, पूरा सीन आपको बताया है, ग्राउंड पे खड़े हैं ये लोग। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे डैमेज्ड रेजिडेंसीज भी देखो यहाँ से दिख रही हैं, इस पेंटिंग में डिपिक्ट की हुई हैं, और इसके साथ ही ग्राउंड पे बैकग्राउंड में दिख रही है ये सारी डैमेज रेजिडेंसीज। ठीक है, अब डेड और इंजर्ड जो है ऑन द फोरग्राउंड, जो ये अगर आप देखोगे डेड और इंजर्ड पीपल जो है फ्रंट वाले ग्राउंड में, आगे वाले हिस्से में, ये आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये सारा जो है किस तरह से उस टाइम पे ये पेंटिंग को अगर हम देखें, ये पूरी पेंटिंग को, तो ये हमें क्या बता रहा है, उस टाइम में किस तरह की सफरिंग हुई थी, क्या सीन क्या चल रहा था, किस तरह का वीकेंड से सिनेरियो था, वो यहाँ पे पिक्चर में उन्होंने हमें बताया हुआ है। ये तीन लोग हैं, ये अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये बैकग्राउंड में डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे। ठीक है, और आगे जो है ये डेड बॉडीज वगैरह जो हैं ये सब हैं, तो ये सब जो है यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया हुआ है, ये सारी जो है एज अ टेस्टिमनी वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीकेंड से ये सारी पिक्चर जो है हमें बता रही है, ठीक है, क्या सफरिंग उस टाइम में जो हुई थी, सीज के टाइम में जो सफरिंग हुई है, तो वो सब बता रही है ये पिक्चर। ठीक है, तो इसके साथ ही वाइल द ट्रिम्फेंट फिगर ऑफ हॉर्सेस इन द मिडल ग्राउंड एम्फेसाइज द फैक्ट दैट ब्रिटिश पावर एंड कंट्रोल
हैड बीन री इस्टेब्लिश्ड। इसके साथ ही ये जो हॉर्सेस वगैरह लेके खड़े हैं, तो ये सब कुछ हमें क्या बता रही है, इससे क्या दिखता है कि ब्रिटिशर्स का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो गया लखनऊ के लिए, एंड अब लखनऊ जो है अगेन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, अब इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे बताया कि टू द ब्रिटिश पब्लिक सच पेंटिंग्स वर रीअश्योरिंग, दे क्रिएटेड अ सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वॉज पास्ट एंड द रिबेलियन वॉज ओवर एंड द ब्रिटिश वर द विक्टोरियस। अब इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं, जो ये पेंटिंग्स हैं, ये क्या बताती हैं कि जो ब्रिटिश पब्लिक के लिए ये रीअश्योर करती है कि जो उनका बुरा टाइम था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, वो टाइम जो था ख़त्म, एक सेंस उनमें क्रिएट करती है कि ट्रबल जो है वो ख़त्म हो गया है, ट्रबलसम टाइम जो है ख़त्म हो गया है, अब रिबिलियन जो है वो ख़त्म हो गया है, एंड ब्रिटिशर्स दोबारा विक्टोरियस बन गए, लाइक वो एरिया सारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में दोबारा आ गए हैं। ठीक है,